डी किसान बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इफ्को, पूर्णतः सहकारी स्वामित्व। डीडी किसान बदलते भारत की शान। देखता होगा जमी पर तो रश्क होता होगा उसे भी उसकी मेहनत पर। आसमान ऊंचाई पर जरूर है लेकिन बुलंदियों पर तो वो है जिसने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल कायम की है। उसकी उम्र कम है तो क्या, सपनों का आसमान तो बड़ा है। उसके पास उड़ने के लिए पंख नहीं तो क्या, उड़ाने के लिए ड्रोन तो है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक साधारण गांव की उस महिला की जिसने अपने संकल्प से खेती को एक नई दिशा दी। खेत का हर कोना जानने वाली अब वही महिला ड्रोन दीदी के नाम से मशहूर है, जिसने न सिर्फ ड्रोन उड़ाना सीखा बल्कि उस तकनीक को अपनी और गांव की खेती की प्रगति का हथियार भी बना दिया। ये कहानी है कि कैसे एक साधारण महिला ने असाधारण ऊंचाइयों को छुआ। धुन की धनी, लगन की पक्की, ये हैं भारत की फार्म लेडी सारिका सर्वोत्तम कुलकर्णी। मैं पिंपल गांव गाड़े से हूँ, बीड जिले से, महाराष्ट्र से। मेरी पढ़ाई बीएससी हो गई है। नमो ड्रोन दीदी इस योजना के अंतर्गत नमो ड्रोन दीदी बन चुकी हूँ। जब मैं बचपन में खेती करती थी तब तो वहाँ पे ड्रोन का नाम किसी ने सुना भी नहीं था, और अब शादी करके जब मैं यहाँ आई तो ड्रोन के बारे में थोड़ा फार तो सुना था पर खेती में यूज होता है वो नहीं सुना था। और मोबाइल है आज के ज़माने में तो वो उससे मैंने बहुत सारे मतलब वीडियो देखे यूट्यूब पे, इंस्टा पे, तो उससे मैंने पूरी जानकारी हासिल की। तो मैंने ड्रोन के बारे में कुछ सोचा कि ये खेती में यूज हो सकता है स्प्रेइंग के लिए। आजकल तो खेती में किसी को काम करना अच्छा नहीं लगता, खेती में मजदूरों की बहुत कमी होती है। तो मैंने कुछ सोचा कि ऐसा भी हो सकता है, तो मैंने पूरी जानकारी हासिल की। बीड जिले के परली वैजनाथ तालुका के पिंपल गांव गढ़े क्षेत्र में रहने वाली सारिका की उम्र है मात्र 23 वर्ष। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद इनकी शादी कर दी गई, मगर सपने बहुत बड़े थे। ससुराल में उनके सपनों को सम्मान मिला लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी सीमित संसाधन और तकनीकी ज्ञान की कमी। जब मैं बाकी लड़कियों को देखती थी वो बहुत आगे जा रही थी, नौकरी कर रही थी, और मेरे को कुछ तब लगा था कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, और ऐसा मन में सोचा था कि मैं बस खाली घर में बैठी रहती हूँ। तब ड्रोन के बारे में मेरे ससुर जी ने और सारी जानकारी मुझे दे दी, तब मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मेरे ससुर जी ने ये सब बातें मुझे बताई ड्रोन के बारे में, इफ्को की तरफ से हमें ऐसे ड्रोन की ये योजना है, ऐसा सब कुछ बताया। तो तब मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, पर मैं जब पुणे में गई, बाकी मेरे जो साथी थी उनसे मिली, और पहली बार मैंने जब ड्रोन हाथ में लिया, जब उसको छुआ ड्रोन को और उसका रिमोट भी हाथ में लिया, तब मुझे बहुत बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं खुद उड़ रही हूँ।
कहते हैं, जब समस्याएं पहाड़ सी हों, तो हौसला आसमान छूता है। सारिका के जीवन में बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें कृषि विकास केंद्र के एक कार्यक्रम में जाने का मौका मिला। सारिका के गांव से लगभग 70 किलोमीटर दूर अंबाजो गाई स्थित कृषि विकास केंद्र की सहायता से उन्हें ड्रोन उड़ाने के प्रशिक्षण को प्राप्त करने का अवसर मिला। ड्रोन टेक्नोलॉजी मेरे लिए चैलेंजिंग तो था ही, पर मैंने हार नहीं मानी। मैं पुणे में सासवड़ में गई तो तब हमें पहले दिन ड्रोन दिखाया, बहुत अच्छा भी लगा। सर ने बहुत कुछ जानकारी भी दी और इससे हमें बहुत प्रेरणा भी मिली। पहले हमें थ्योरी सब कुछ थ्योरी में सिखाया, फिर सिमुलेटर पे भी हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। वहाँ पे हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से ली गई और हमने ड्रोन उड़ाना सीखा। हम 20 महिलाएं थे और हम सब अलग अलग जिले से थे, कुछ धूले, नासिक, सांगली, सातारा, ऐसे सब अलग अलग जिले से थे हम। महाराष्ट्र बैच थी हमारी और ड्रोन दीदी की हमारी पहली बैच थी। मेरी तरह उनको भी इफको की तरफ से ड्रोन मिला है और वो भी अच्छी तरह से काम कर रही है। और हम सब महिला सक्षमीकरण के लिए इफको की तरफ से हमें ये ड्रोन मिला है। इस प्रशिक्षण के दौरान सारिका ने न सिर्फ ड्रोन के तकनीकी पहलुओं को समझा, बल्कि ड्रोन कैसे काम करता है, इसकी बैटरी, जीपीएस और उर्वरक छिड़काव के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये भी जाना। ड्रोन से खेती करने में तो प्रॉब्लम भी होती है हमें, जब बिजली की तार जाते हैं उस पे भी उलझने का डर रहता है, खेत में अटकने का। मौसम का भी बहुत ज़्यादा उस पे ड्रोन पे असर होता है, मतलब जब हमें मौसम खराब होता है तब हम ड्रोन का छिड़काव नहीं कर सकते। ज़्यादातर ड्रोन से स्प्रेइंग करने के बाद हमें बारिश ज़्यादातर 4-5 घंटे तक तो नहीं आनी चाहिए, वरना उस हमने जो स्प्रे किया है वो उसका असर नहीं होता खेत पे। ड्रोन पे मौसम का भी असर होता है, ज़्यादातर हवा होने के वक्त ड्रोन ऐसे लपक झपक जाता है और उस वजह से क्रैश होने का भी डर रहता है। जब सारिका पुणे से ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण लेकर लौटी और उन्होंने पूरे परिवार को ड्रोन उड़ाकर दिखाया तो सबके चेहरे खिल उठे। उनके लिए ये एक ऐसी अनुभूति थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। सारिका ने अपने खेतों में ड्रोन से उर्वरक और पानी का छिड़काव करना शुरू किया। इससे न केवल उनका काम आसान हुआ बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा। भारत की फार्म लेडी, मैं हूं धरती की शान। किसान साथियों, कम लागत में बेहतर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफको नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन करें। बीज के शोधन के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी और जड़ शोधन के लिए इतनी ही मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएं। आलू के कंद और गन्ने के लिए प्रति टंकी 3 ढक्कन नैनो डीएपी मिलाकर शोधन करें। बोई गई फसलों में 30, रोपित फसलों में 20 से 25 दिन, आलू में 30 और गन्ने में 60 दिन पर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करें। फसल की जरूरत के अनुसार नैनो यूरिया प्लस का दोबारा छिड़काव करें। इफको नैनो फर्टिलाइजर की ताकत से फसलें लहलहा उठेंगी। आज किसान प्रेस मंच का कारवा पहुंचा है पंजाब के पटियाला। पटियाला के बारन गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज हमारा विशेष कार्यक्रम पराली पर है। पराली को संभालने के लिए पंजाब के किसान क्या करते हैं? हैप्पी सीडर नाल, सुपर सीडर नाल, स्मार्ट सीडर नाल,
बाकी गट्ठा बन के बेलर नाल चका के भी पराली का प्रबंध किया जा सकता है। पराली जलाने से क्या नुकसान होता है? पोल्यूशन होता, पोल्यूशन के नाल फिर हेल्थ पे जड़ा असर पैंदा लोगों के, मतलब सांस की प्रॉब्लम्स आउंदी ने। पंजाब सरकार ने अभी लॉन्च करी है एप्लीकेशन जिसका नाम है उन्नत किसान एप्लीकेशन। खेत में ही इंसीटू और एक्सीटू के मेथड से पराली का प्रबंधन किया जा रहा है। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफको नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें। भारत की फार्म लेडी, मैं धरती की शान। ड्रोन की मदद से मैंने सोयाबीन की भी फसल उगाई है और उसका उत्पादन भी बहुत अच्छा आया है। जब मैं स्प्रेइंग के लिए खेत में जाती हूँ तब अलग अलग खेत के लोग भी वहाँ आते हैं कि ये महिला होके भी इतना स्प्रे कर लेती है, और डेमो देने जाती हूँ तब भी बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में चर्चा की कि ये ड्रोन कैसे मिला, क्या है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेने आते हैं लोग। मुझे भी जानकारी देने में बहुत अच्छा लगता है, उनको मालूम चलेगा और पूरा भारत हमें एक आधुनिक खेती की ओर ले जानी है तो मुझे अच्छा लगता है। ड्रोन के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ऐसी परीक्षण वाली मिट्टी चाहिए या ऐसा कुछ। ड्रोन हर फसल के लिए फायदेमंद है, यानी कि हम मानव नहीं जा सकते, वहाँ पे ड्रोन जाके स्प्रे करके आ सकता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ड्रोन से स्प्रेइंग करना बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। सारिका ने अपने गाँव के अन्य किसानों को भी ड्रोन तकनीक के फायदे बताए। ड्रोन की सहायता से खेतों में न सिर्फ उर्वरकों का समान वितरण संभव हुआ, साथ साथ ड्रोन का उपयोग करने से समय की काफी बचत हुई। ड्रोन से सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम नॉर्मल हैंडपंप से जब स्प्रे करते हैं तो हमें 200 लीटर पानी लगता है, और ड्रोन से करते हैं तब हम 1 एकड़ 10 लीटर पानी से कर लेते हैं। तो हमारा ये फायदा है कि हमें 1 एकड़ में 190 लीटर पानी बचा लेते हैं। मैंने ड्रोन से 450 एकड़ खेती में स्प्रे भी किया है और 85,000 लीटर पानी भी बचाया है। मैंने आसपास के गांव में जाकर डेमो भी दिया है और इससे किसान बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए हैं, और इससे हमें वो बुकिंग भी करते हैं ऐप से और हम स्प्रे करने जाते हैं वहाँ पे। ड्रोन की मदद से हमारे खेतों की पैदावार भी बढ़ी है, जैसे कि गन्ना, सोयाबीन, कपास, टमाटर, मिर्ची, प्याज, इन सब में बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया है उसका। ड्रोन की सहायता से खेतों में उर्वरकों की बर्बादी भी बंद हो गई। पहले जिन कामों में दिन लगते थे अब वो घंटे में पूरे होने लगे। जब मैं पुणे में गई थी तब वो 15 दिन का जो समय था वो बहुत मतलब मेरे को बहुत डर लग रहा था कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं। तब मेरे हस्बैंड जी यशवंत ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि तुम कर सकती हो, ऐसा घबराना नहीं है, हमें कर दिखाना है। और हमारे गांव में, हमारे ज़िले में, तालुके में बहुत कुछ अलग करने का हमें मौका मिल रहा है। जब मैं ड्रोन की ट्रेनिंग लेने जा रही हूँ ऐसा बोल मेरे मम्मी को बोला मैंने, तो वो बोली ऐसा मुझे ऐसा कुछ होता है, वो उनकी तरफ से वहाँ किसी को मालूम ही नहीं था कि ड्रोन खेती में भी यूज किया जा सकता है। तब उन्हें बहुत प्राउड फील हुआ था कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। उन्होंने बहुत लोगों से कहा भी कि मेरी बेटी ऐसा कर रही है
मैं वहाँ पे गई थी मायके, तब भी बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, ऐसा सब कुछ बहुत, तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक महिला द्वारा ड्रोन तकनीक के प्रयोग ने सारिका के गांव के किसानों के बीच एक सकारात्मक प्रभाव डाला। शुरू में कई किसान पारंपरिक तरीकों पर अधिक विश्वास करते थे और ड्रोन जैसी नई तकनीक को अपनाने को लेकर संशय में थे। उन्हें इस बात की चिंता थी कि ड्रोन से छिड़काव सही तरीके से नहीं होगा या इससे फसल को नुकसान पहुंच सकता है। अब कहीं भी आते जाते सारिका के कानों में किसानों की ये आपसी बातें पड़ने लगी कि कैसे ड्रोन तकनीक ने न केवल उनकी खेती को तेज बनाया है बल्कि फसलों की गुणवत्ता भी इससे बेहतर हो गई है। इन बातों से सारिका के आत्मविश्वास में काफी इजाफा हुआ। धीरे धीरे सारिका के प्रयास गांव के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन गए और उन्होंने ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल को अपनाना शुरू कर दिया। सारिका को उनके अद्वितीय योगदान और कड़ी मेहनत के लिए कई सम्मानों से नवाजा गया है। खेती में आधुनिक तकनीक विशेषकर ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के कारण उन्हें ड्रोन दीदी का नाम मिला। ये नाम उनके उस अद्वितीय कार्य से जुड़ा है जहां उन्होंने ड्रोन का उपयोग करके फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जिससे न केवल किसानों का समय बचा बल्कि उनकी फसलें भी अधिक सुरक्षित और उत्पादक बनी। उनका ये प्रयास इतना प्रेरणादायक था कि स्थानीय प्रशासन और किसानों ने उन्हें इस विशेष नाम से पुकारना शुरू किया। इसके अलावा विभिन्न कृषि मेलों और सरकारी कार्यक्रमों में उनके कार्यों की सराहना की गई। सारिका अब न सिर्फ अपने गांव में बल्कि पूरे जिले में एक प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। उन्होंने न केवल अपने खेतों की पैदावार बढ़ाई बल्कि अन्य महिलाओं को भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ड्रोन दीदी योजना के तहत जैसे जैसे और महिलाएं इस तकनीक को सीख रही हैं, वो भी खेती में बदलाव ला रही हैं। सारिका की योजना है कि वो भविष्य में अन्य महिलाओं को भी ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दिलवाएंगी ताकि अधिक से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। भारत की फार्म लेडी, मैं धरती की शान। किसान साथियों, इफको नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी प्रति लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत। In the recent years, the Supreme Court of India has resolutely assimilated technology into its core and peripheral function to become accessible, transparent, and efficient. Our mission is to ensure that technology makes access to justice inclusive and not exclusive. Join us in celebrating 75 years of the Supreme Court of India. इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुड़ है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आप आज कौन सी डिश बना रहे हैं? ऐसी रेसिपी जिससे आप एक बिल्कुल यूनिक मीठी डिश बना सकें, स्किन हमारी त्वचा के लिए बहुत ही बेहतर होता है। बैटर बनाने का एक आसान तरीका यह है कि पहले सभी सूखी आइटम इसमें मिला लें, हल्की आंच पर इसको हम पकने देंगे। श्री अन्न इस मंगलवार 5 नवंबर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसान साथियों, खेती का खर्च और मानव श्रम कम करने के लिए ड्रोन से छिड़काव बेहद आसान और लाभकारी विकल्प है।
एक एकड़ में फसल के लिए ड्रोन की 10 लीटर की टंकी में 500 मिलीलीटर यानी एक बोतल नैनो डीएपी और 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करें। ड्रोन से एक एकड़ में स्प्रे सिर्फ 6 से 7 मिनट में हो जाता है। ड्रोन से नैनो उर्वरकों का छिड़काव यानी खेती को रफ्तार। भारत की फार्म लेडी, मैं धरती की शान। मैं महिला होकर भी एक ऐसी आधुनिक खेती कर रही हूँ, तो मुझे लगता है बाकी महिलाओं को भी इससे कुछ इंस्पायर मिले कि वो भी नौकरी की तरफ ना जाके कुछ खेती भी देखे और आधुनिक खेती के बारे में सोचे। हमें जब हम सब एक साथ बढ़ेंगे तो हमारा भारत भी बहुत आगे जाएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में, जिले में, महाराष्ट्र में और भारत में सारे लोग ड्रोन का उपयोग और ऐसे बहुत सारे आधुनिक खेती करने के लिए प्रेरित हो और हम सब आगे जाए। वो ड्रोन की खबर सुनकर ऐसा लग रहा था कि लड़के होकर क्या ड्रोन उड़ाएगी, लड़के तो अभी मोटरसाइकिल हो या कोई फोर व्हीलर वाहन हो नहीं चला पाते, ड्रोन कैसे उड़ाएगी ये सुन के हमको बहुत ही अजब बात लग रही थी। फिर आगे जाके वो ड्रोन लाया, तब वो ड्रोन हमारे गांव में उड़ाया, तब वो देख के बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए हम। हमारे खेत में भी आके उन्होंने गन्ने के ऊपर स्प्रेइंग करके दिखाई, तब हमको बहुत ही अच्छा लगा। बड़ी बड़ी फसलें हो या जिस फसल में जाके हम आप स्प्रेइंग नहीं कर सकते, वो उस फसल में जाके वो ड्रोन फसल स्प्रेइंग कर सकता है। हमने ड्रोन दीदी का डेमो देखा, फिर हमें बहुत ही आश्चर्य लगा कि ड्रोन से ऐसा भी हो सकता है। ड्रोन से ये फ़ायदा हो सकता है कि अब मजदूर बहुत कम मिल रहे हैं खेती में, इसके कारण बहुत ही पैसे की बचत और टाइम की भी बचत हो सकती है। अभी एक ड्रोन आया है हमारे गांव में, अभी इसके एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम भी ड्रोन खरीद के भारत की खेती को आगे लेके चलेंगे। आजकल वो जो नई टेक्नोलॉजी का यूज आप कर रहे हैं, वो हमारे गांव में हमारे सारिका देशमुख जी ने जो ड्रोन के बारे में न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ गांव में लाई है, इसके बारे में फार्मर में हमारे सब लोगों में बहुत उत्साह है। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे स्प्रे कैसा होना और कम खर्च में स्प्रे करने का ये नई तरीका, ये नई सोच जो लाई है, वो तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ज़्यादा से ज़्यादा महिला एक क्षेत्र में जब उतरी है तो जब पूरे गांव के जो महिला को लिटरेट कर सकती है, कम से कम खर्चा में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया की स्प्रे कैसा होना करना है, ये ड्रोन के माध्यम से हम यहाँ सीख रहे भी और करके ले रहे हैं। और इसलिए हमारे खेती का खर्चा भी कम हुआ है और टाइम मैनेजमेंट टाइम भी बच रहा है और हमारे उत्पादन में बढ़ोतरी का एक हमें बहुत माहौल अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत गारंटी थी कि वो बहुत सीखेगी, इसलिए मैंने उनको बहुत बोला, पहले बोला तो वो बहुत उल्लासित थी, इसलिए मैंने बहुत गारंटी थी उसकी कि वो पूरा हो करके जाएगी। वो पूरा करके आई और उसको पूरा ट्रेनिंग में व्यवस्थित पास हो गई, वो उसको ड्रोन का लाइसेंस मिल गया चलाने का, वो बहुत मैं भी इसके हर से उल्लासित हूँ। जब लोग देखने के लिए आते हैं, वो ड्रोन उड़ाने के लिए वो चालू थी, वो देखने के आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत उल्लासित होता हूँ और उसे मुझे गर्व है। ड्रोन दीदी अच्छा काम कर रही है, वह सफल हो रही है, उसे मेरी ओर से पूर्ण समर्थन है। दोनों ही खेतों पर जाते हैं और काम करके आ जाते हैं। सक्सेस झाले आहे दोघेही। जेव्हा ती म्हणली मला पुण्याला जायचंय इंटरव्यू करता, त्यावेळेस जब मेरी बहू ने कहा कि मुझे ड्रोन सीखने के लिए पुणे जाना है, तो मैंने कहा हाँ तू जा और अच्छे से सीख कर और सफल होकर आ, मुझे बहुत खुशी हुई। जब ड्रोन घर आया हम सब उसके साथ खेत पर गए और उसने जब हम सबको ड्रोन उड़ा कर दिखाया, उस समय हमें बहुत खुशी हुई। मेरा डीडी किसान के दर्शकों से बस इतना कहना है कि अपनी बहू के ऊपर कोई बंधन न लगाएं, वो जो करना चाहती हैं उसमें उसका सपोर्ट कीजिए। जब मेरी बहू ड्रोन सीखने गई तब मैंने उसको भरपूर सहयोग किया, वो अच्छा सीख कर आई, इस बात का हमें बहुत गर्व हुआ। एक बात है कि मुझे पहले से ही
जो भी कोई युवा है उसने कुछ कुछ तो भी शारीरिक कष्ट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं करना, ऐसा मुझे पहले से लगता है। ऐसा मालूम होता है कि समाज में सभी युवा जो है, विशेषकर जो एजुकेटेड है, उनको कोई काम करना, कष्ट करना पसंद नहीं आता। और ये जो बात है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर से देश को ऊंचाई पर चढ़ाना है, विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत, ऐसा अगर से हमारे पंतप्रधान सपना देख रहे हैं, तो अगर से युवा लोग कष्ट नहीं करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो वो कैसा होगा। मेरा पोता जो है वो भी इंजीनियर है, और जो बहू है वो भी बीएससी है। उन्होंने कुछ काम नहीं करते, आलस्य में पड़े रहना मुझे कोई पसंद नहीं आता। लेकिन एक बात है, जो अब टेक्निकल जो डेवलपमेंट हुई है, कुछ जो गैजेट्स आए हैं, उनको हाथ में लेकर भी अगर से युवा पीढ़ी ने कुछ कष्ट किए तो मुझे आनंद होता है। तो मैं मेरे घर के बच्चों को भी और बाहर के लोगों को भी कुछ तो भी करो, ऐसा बार बार बताते रहता हूँ। और उसमें जब ये सुविधा आई तो मेरी जो बहू है वो उनके लिए भी मैं एक सुवर्ण संधि समझता हूँ, और उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से उसको मान्य किया और वो ट्रेनिंग लेकर आई। वो अकेली नहीं आई, मेरा पोता भी उसके साथ प्राइवेट उसको ट्रेनिंग देकर वही कुछ शिक्षण प्राप्त किया। और मुझे खुशी लगती है कि उन अभी दोनों भी इस व्यवसाय में, खास हमारे तालुके में, हमारे आसपास अपना ड्रोन का काम कर रहे हैं, और उससे बहुत सहूलियत होती है। घर पर भी उसका प्रयोग मैंने पहले कर लिया, और आप लोगों की यहाँ पर भी उन्होंने काम करते हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन तो बढ़ा है, लेकिन उसकी सुविधा, उसका ऑपरेशन युवाओं ने चुनना और कुछ तो भी करते रहना, ये बहुत मेरे पसंद की बात है। सारिका के इस अभूतपूर्व कदम ने अनेक बेटियों के लिए उम्मीदों के नए द्वार खोल दिए हैं। कम और सीमित संसाधनों के बावजूद कैसे आकाश की ऊंचाई नापी जाती है, ये सारिका ने कर दिखाया। सारिका ने बता दिया कि आप जिस भी परिवेश में, जिस भी समाज में पले बड़े हों, अपनी ताकत को पहचाने और अपने लिए जगह बनाए, फिर चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, अगर हिम्मत और लगन है तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। आज सारिका न सिर्फ एक किसान है बल्कि एक प्रेरणा है, जो दिखाती है कि तकनीक और परंपरा का संगम किस तरह एक नया भविष्य बना सकता है। कठिनाइयों से कभी मत डरिए, क्योंकि यही वो रास्ते हैं जो हमें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं।